यस तो लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट किस तरह से यूज करने का वो कॉन्सेप्ट्स किस तरह से उसके जो एप्लीकेशंस है उसके न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर कुछ देखे थे हमने ऑलरेडी. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो आज के लेक्चर में हमको तीन टॉपिक करने हैं एक्चुअली. एक तो सब्लिमेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमेशन यू टू अंडरस्टैंड द Let us list it out. Stop. Okay. So the first thing is the you have to understand what is sublimation. उसके अलावा वी वॉन्ट टू सी वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैसेस. वॉट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस. देन थर्ड थिंग इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ओके ये भी हमको डिस्कस करना है. एंड देन ट्रिपल पॉइंट एंड फेज डायग्राम. ओके सो लेट अस स्टार्ट सब्लिमेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन इज ऑलरेडी यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. The conversion of solid into gases directly. ठीक है solid solid का direct gas में जब convert होता है ठीक है without converting into liquid. ठीक है liquid में convert होने की जरूरत नहीं है. तो direct जब solid gas में convert होता है तो उसको हम बोलते हैं sublimation. Okay and the point at which this sublimation takes place is also called as the sublimation point. ठीक है और यहाँ पे उल्टा प्रोसेस जो है गैस का डायरेक्ट सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होना ये भी एक प्रोसेस है. ठीक है इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन. ठीक है कंडेंसेशन ऑफ द गैस. सो गैस जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड डायरेक्टली. तो ये अपोजिट प्रोसेस है और ये इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव बीन सीन इन द lower standards also camphor is the best example of this. ठीक है camphor जो कि हम देखते हैं कि camphor जब हम उसको heat करते हैं थोड़ा भी अगर heat देते हैं या नहीं भी देते हैं तो भी वो normal temperature पे भी convert होता रहता है solid से direct gas में convert हो जाता है. so this process is actually called as sublimation. okay so that is what we have to discuss about this sublimation. the second thing is we have to discuss about the difference between solid and vapor. अब देखो ये तुमको most students जो है वो ये समझते हैं कि vapors और gas दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. they are same only. but that is not true actually. if you see vapors and gas are completely different. उनमें थोड़ा फर्क है. भले वो हम देखते हैं कि pressure जो है वो pressure दोनों apply करते हैं. vapors भी pressure apply करते हैं और गैस भी प्रेशर अप्लाई करता है. बट वेपर्स एंड गैसेस इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि अभी देखो अगर सपोज सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जैसे वाटर वेपर्स वाटर का अगर हम बात करते हैं सपोज दिस इज वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके तो इट इज इन लिक्विड फॉर्म नॉर्मली. बट सपोज दैट दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर्स. ठीक है ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर ओनली. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही जब ये मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट पे हमने उसको लिया ही नहीं है. ठीक है वी आर एट सपोज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर.
अभी सोचो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये कोई उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो है नहीं, राइट? सो सो फार एज द वाटर इज एट एट अ टेम्परेचर विच इज लेस देन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल और वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट वी कैन से, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कम टेम्परेचर पे जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स के अंदर, तुम जानते हो ऑलरेडी कि द वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट नॉर्मल टेम्परेचर ओनली. तो ये जो वेपराइजेशन प्रोसेस होता है ये एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होता है. तो वेपराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इन टू गैसेस स्टेट, ठीक है, लिक्विड गैस कन्वर्टेड इन टू वेपर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, ओके, विदाउट एनी हीटिंग. ओके, ये हम ये हमको समझना है अच्छी तरह से. विदाउट एनी हीटिंग मतलब हीट कर किए बिना ये जो टेम्परेचर वाटर का जो वाटर का जो कन्वर्जन है वो गैस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं वेपर्स. ये वेपर्स कहलाता है. दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द गैस. अभी फिर गैस किसको बोलेंगे? तो देखो यहाँ पे एक तो वेपर समझ में आया सबको ठीक से, क्योंकि तुम जानते हो कि लिक्विड ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इन टू वेपर्स इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट एवरी टेम्परेचर. हर एक टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता रहता है, बट उसका रेट जो है वो अलग अलग होता है. राइट, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. अगर सपोज हम 50 डिग्री सेल्सियस पे को रख देंगे तो हो सकता है कि वो उसका वेपराइजेशन थोड़ा फास्ट हो, ठीक है, इट विल जस्ट रैपिडली कन्वर्ट इन टू द वेपर्स. इवन हो सकता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपराइजेशन और ज्यादा स्पीड में होगा, हो सकता है, होता है, बट दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. बट ऑल दिस टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस विच इज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट तक हमने उसको लेके गई ही नहीं है. तो बॉइलिंग पॉइंट पे न लेके जाके भी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है. दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज वेपराइजेशन एंड गैस फॉर्म्ड इन दैट केस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द वेपर्स. रिमेम्बर, इवन ये तुम जानते हो चम्मच में अगर सपोज वाटर रख दो, ठीक है, थोड़ा सा वाटर अगर चम्मच के अंदर लेके अगर रख दो उसको, और धूप छाव में रख दो, धूप में भी नहीं रखना है, छाव में अगर रख दो, तो 4-5 दिन के बाद अगर देखेंगे तो उस चम्मच के अंदर कुछ भी नहीं होगा. 4-5 दिन के एक ही दिन या 4-5 घंटे के बाद भी अगर देखेंगे तो उस वो वाटर जो है वहाँ पे उस चम्मच के अंदर नहीं होगा. तो उसका रीजन है एक्चुअली वेपोराइजेशन विच टेक्स प्लेस इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ओनली. इवन पेट्रोल का एक बूंद भी अगर सपोज किसी सरफेस पे अगर गिर जाए तो 2-3 मिनट के बाद अगर देखेंगे तो वो वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है. दैट इज बिकॉज ऑफ द वेपोराइजेशन. वंस अगेन यू कैन सी these are the examples of vaporization actually. So in which the liquid just gets converted into gases without giving any heat. ठीक है, जो atmosphere के अंदर जो heat है वही absorb करके कुछ ना कुछ molecules जो है वो free होते रहते हैं. They gain such a kinetic energy that they can overcome the surface barrier of that liquid. And they just get outside from the surface of the liquid and never come back inside. And that's why this is called as actually the vaporization. This process is actually called as vaporization. And the material formed in that case is actually called as vapors, not the gas. Usko hum gas kabhi nahi bolenge. Theek hai, usko vapors bolna zaruri hoga. Lekin phir gas kab bolenge? Ab dekho, suppose same liquid jo hai, ya same water jo hai, usko agar hum heat karte hai, aur heat karne ke wajah se, अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर उसको हीट करते हैं, समझो वो 120 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसको हीट किया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑल द लिक्विड विल जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस एंड देयर विल बी अ प्योर गैस इन द होल कंटेनर. इस पूरे कंटेनर के अंदर कंप्लीट गैस भरा हुआ होगा, ठीक है, वाटर के वेपर्स भरे हुए होंगे. सो दिस टाइप ऑफ गैस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज द गैस बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज ऑलरेडी greater than the boiling point of the liquid. Okay, जब temperature जो है वो 100 degree celsius से ज्यादा हुआ करता है. अभी water के लिए 100 degree celsius, अलग अलग liquid का अलग अलग boiling point हो सकता है, तो उसके हिसाब से जो भी उस liquid का boiling point है उस boiling point से ज्यादा temperature पे अगर हम उसको heat करते हैं तो उसके बाद उसको gas बोला जाएगा. बिल्कुल, it will be called as the gas. But if suppose the temperature of the liquid is less than the boiling point and still it gets converted into the vapors. क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हम प्रेशर रिड्यूस करके
इस लिक्विड को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेशर रिड्यूस करने से क्या होता है, अगर प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो उसकी वजह से ये जो लिक्विड से मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, दे फाइंड इजीली दे कैन जस्ट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड हेंस दे कैन जस्ट फॉर्म द वेपर्स। तो वेपर्स फॉर्म करने का एक तरीका ये है कि प्रेशर रिड्यूस करना। तो जितना जितना हम प्रेशर रिड्यूस करते जाएंगे तो उतना उतना क्या होगा, लिक्विड विल जस्ट टेंड टू कन्वर्ट इनटू गैसेस एंड दिस टाइप ऑफ गैस फॉर्म्ड हियर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वेपोराइजेशन एंड दिस गैस इज कॉल्ड एज वेपर्स, ओके, व्हिच इज व्हिच टेक्स प्लेस एट लेस देन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे तक उसको हीट करना जरूरी नहीं है, बिना हीट किए सिर्फ प्रेशर रिड्यूस करके हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अभी ऑब्वियसली उसका उल्टा अगर करेंगे, प्रेशर रिड्यूस करने से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करने से द वेपर्स विल जस्ट गेट कंप्रेस्ड एंड दे विल जस्ट लिक्विफाई, दे विल जस्ट वो जो वेपर्स है वो लिक्विफाई होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वेपर्स को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर कितना भी इंक्रीज करो यहाँ पे इस केस में, ठीक है, इवन इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर, जस्ट मेयरली इंक्रीजिंग प्रेशर विल नेवर नेवर बी एबल टू कंडेंस दिस गैस इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर जब तक 120 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तब तक प्रेशर इंक्रीज करके हम इस लिक्विड गैस को, ठीक है, लिक्विफाई करना पॉसिबल नहीं होगा या बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड वेपर्स बेसिकली, ओके। तो गैस और वेपर्स के बीच में यही डिफरेंस है। सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज गैस ओनली व्हेन इट इज एट अ टेम्परेचर व्हिच इज ग्रेटर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। बट द सब्सटेंस विल बी सपोज टू बी वेपर्स if it is in gaseous state even at a point which is less than, even at a temperature which is less than its boiling point. So boiling point se kam temperature pe agar liquid gas mein convert hota hai to usko vapors bolna hoga, aur agar boiling point ke baad ke temperature pe agar wo to liquid to gas mein convert hoga hi hoga lekin usko humko us samay gas bolna hai. This is basic difference between gas and vapors, theek hai. So be clear here that gas is not equal to the pressure or sorry gas is not equal to the vapors or vapor is not equal to gas. So vapor or gas in dono words mein humko farak samajhna hai, theek hai. We have to understand the meaning or we have to understand the difference between these two, no doubt, okay. So this is the second point we want to discuss in this chapter, in this lecture. And this third point now we just start here, that is about the anomalous behavior of water, okay. See here, what is anomalous behavior of water? We'll see. Yes. Okay. Anomalous behavior of water. देखो किसी भी बॉडी का या किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, as temperature goes on increasing, तो उसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम वो भी बढ़ता जाता है. That is the we have to study it in this chapter, thermal expansion. So thermal expansion के बारे में हमने अभी भी study किया है, तो उसमें हमने ये देखा कि जैसे temperature बढ़ता है तो volume भी बढ़ता है, no doubt. So अगर liquid के बारे में अगर हम एक graph draw करेंगे, किसी भी liquid के बारे में अगर एक graph draw करते हैं जिसमें suppose y axis पे हम डाल देंगे volume, ओके, और अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम डाल देंगे सपोज टेम्परेचर, ओके, सो वी कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट द ग्राफ बिटवीन दीज टू विल जस्ट बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन. वी शो दैट दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द सेम थिंग हैपन्स फॉर वाटर ओनली, वाटर ऑल्सो. तो वाटर के लिए भी सेम वही बात होती है जरूर. जैसे जैसे हम इसको लिक्विड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम हमने अगर नोट किया तो वो बढ़ता जाता है जरूर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे
डिग्री सेल्सियस ले लिया सपोज, फिर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, अप टू 100 सपोज। तो यहाँ पे सपोज 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमने ले लिया। तो जैसे जैसे हम 100 डिग्री सेल्सियस के करीब जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम विल गो ऑन इंक्रीजिंग एज द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा कम है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। ये हमको समझना है अच्छी तरह से, ठीक है। बट हैव यू थॉट अबाउट व्हाट हैपेंस बिलो दिस 10 डिग्री? तो देखो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उससे 90 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे तो वैसे वैसे वॉल्यूम घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, बराबर कि नहीं? ठीक है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन जब तक वो 10 डिग्री सेल्सियस या और 10 डिग्री सेल्सियस से भी अगर हम उसको कूल करेंगे, नीचे टेम्परेचर लेके जाएंगे, तो वॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीजिंग, नो डाउट। बट एट पर्टिकुलर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम मिनिमम बनता है, मिनिमम। और उसके बाद सडनली इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इफ द वॉटर इज कूल्ड बिलो दिस 4 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। सो दैट मीन्स द ग्राफ जस्ट बेंड्स, इट हैव अ कर्व इन दिस वे। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो इस तरह से ऊपर तरफ बेंड हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉटर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट हैज बीन इंक्रीज्ड इन दिस केस। सो दिस अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ वॉटर वेन इट इज जस्ट कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे मतलब कितना हो गया, वो 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे टेम्परेचर्स है तो जहाँ पे लिक्विड वाटर का जो वॉल्यूम है वो एक से ज्यादा एक बढ़कर है। तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वॉल्यूम रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस पे, 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा 2 डिग्री सेल्सियस पे, उससे भी ज्यादा रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस पे, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है, जैसे जैसे हम, और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या, वो तो आइस बनने वाला है, तो वो तो सॉलिड बनने वाला है। तो इनफैक्ट ये हमको समझना है कि सॉलिड बनने के बाद भी जो वाटर का जो मतलब आइस का जो वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा हुआ करता है। ये बहुत बड़ी बात है जो सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही बारे में हुआ करती है। वाटर के ही बारे में ऐसा होता है कि उसका जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम कूल करते जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो उसका वॉल्यूम कम होता है, नो डाउट, बट इट डिक्रीजेस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस ओनली। आफ्टर इट इज कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। सो हियर दिस स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ वॉटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर। इवन इफ यू जस्ट ड्रॉ द सिमिलर ग्राफ फॉर So you can just see that the water is the only substance which has this property that whenever it is cooled below this 4 degrees Celsius, its volume increases instead of decreasing as it is expected. तो मतलब एक्सपेक्टेड तो ये था कि ये वॉल्यूम जो है वो सीधा डिक्रीज होते जाते, यहाँ पे ऐसे नीचे होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम और ही कम होना चाहिए जितना 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है उससे, लेकिन होता उल्टा ही है, ठीक है, होता एक्चुअली एग्जैक्ट उल्टा है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम जितना भी होता है तो उसके उससे वो बढ़ता जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे उल्टा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। और अगर हम यही ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं डेंसिटी के बारे में, देखो मास तो कांस्टेंट है, तो इसलिए जब हम वाटर को कूल करते हैं तो वॉल्यूम अगर घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगा। तो यही ग्राफ अगर हम डेंसिटी के बारे में अगर ड्रॉ करते हैं, ये सपोज यहाँ पे डेंसिटी हमने प्लॉट कर दिया और यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट कर दिया, तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर कम करते जा रहे तो वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ता जाएगा। इट विल जस्ट रीच एट इट्स पीक at 4 degree celsius temperature, okay, so 4 degree celsius pe temperature pe uska density jo hai wo maximum banta hai, and below that means if you just go on pulling it still below, so suppose 3 degree celsius
डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर उसको हम कूल करते जाते हैं तो उसका जो डेंसिटी है तो वो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग फर्दर इट जस्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग लाइक दिस एंड इट बिकम्स मिनिमम एट दिस पॉइंट हियर व्हेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली. तो दैट्स व्हाई व्हेन द आइस इज फॉर्म्ड, जब आइस फॉर्म होता है तो उस समय तक उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है. तो वाटर के डेंसिटी के कंपेरिजन में आइस का डेंसिटी कम रहता है. सो जस्ट वी कैन से दैट द डेंसिटी ऑफ आइस इज एक्चुअली लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसका डेंसिटी यहाँ पे आइस से ज्यादा होता है, क्योंकि आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है कि नहीं. तो इसलिए आइस का डेंसिटी एक्चुअली कम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से. तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. एंड इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि वॉल्यूम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एक्चुअली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसका वॉल्यूम से आइस का वॉल्यूम एक्चुअली ज्यादा होता है. दैट मींस एक्चुअली वाटर एक्सपांड्स ऑन कूलिंग. ये हमको समझना है अच्छी तरह से, एक्सपांड्स ऑन कूलिंग. ठीक है, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. दिस इज कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और उसके कई सारे एग्जांपल्स या इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंस हमको मिलते हैं डेली लाइफ के अंदर, जो कि हम देख सकते हैं. अगर फ्रिज के अंदर अगर एक बोतल है, बोतल रख दो और वो फुल पानी से भर दो, ठीक है, बिल्कुल 100% पानी से हम अगर सपोज वाटर बोतल को भर देते हैं और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है, ग्लास का बोतल है वो सपोज, और ढक्कन भी एल्यूमिनियम का या मेटल का बना हुआ है, और अगर फुल पूरा भर देते हैं, एक भी एयर बबल अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा अगर उसको भर देते हैं और अगर फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में अगर रख देते हैं, ऊपर में जो फ्रीजर जो होता है तो वहां पे अगर रख देते हैं जिससे वो बर्फ बन जाए, तो वो बर्फ बनने से पहले ही वो बोतल फूट जाता है. ये तुमने कई बार देखा होगा कि इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि कभी भी जब हम फ्रीजर के अंदर जब बोतल रखते हैं आइस बनाने के लिए, जब हम वाटर यूज करते हैं तो उसको हमको कभी भी फुल भरना नहीं होता है. मतलब जो कंटेनर है वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू लीव सम गैप टू वाटर, फॉर वाटर टू एक्सपांड. तो वाटर को एक्सपांड होने के लिए हमको थोड़ी जगह देनी पड़ती है, तभी जाके वो कंटेनर रह पाता है, नहीं तो फिर वो कंटेनर ही फूट जाएगा. इवन विंटर सीजन के अंदर भी कभी कभी नल फूट जाते हैं, पाइप जो होते हैं, पाइप्स भी, मतलब पानी कैरी करने वाले पाइप्स भी उसकी वजह से फूट जाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में मोस्टली जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम चला जाता है, नीचे चला जाता है, और ऐसे हालत में वाटर ट्राइज टू एक्सपांड. ठीक है, जो पाइप के अंदर जो वाटर भरा हुआ होता है वो दोनों तरफ से अगर उसको बंद कर दिया और तो उसकी वजह से वो टेम्परेचर कम होने की वजह से एक्सपांड करने के लिए ट्राई करता है, बट इफ इट डजंट फाइंड द स्पेस टू एक्सपांड इट द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट विल जस्ट ब्रेक बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइस और वाटर एट 2 or 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दिस वे. तो ये सब उसके एनोमलस बिहेवियर के एग्जाम्पल्स है या कॉन्सिक्वेंसेस है. सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. ये तुमने देखा होगा हमेशा कि आइस हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है, सपोज दिस इज आइस एंड दिस इज वाटर कंटेंट हियर. सो आइस जो है वो कभी भी डूबता नहीं है वाटर के अंदर, शोइंग दैट द डेंसिटी ऑफ आइस इज एक्चुअली लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. तभी तो आइस फ्लोट करता है, क्योंकि फ्लोट कौन करता है ये हमको पता है ऑलरेडी कि फ्लोट करने का वाला जो चीज है वो हमेशा डेंसिटी कम रहने वाला होता है. तो इसलिए अगर ये आइस जो है फ्लोट करता है तो जरूर उसका डेंसिटी कम होना चाहिए वाटर से, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है. तो ये अच्छी तरह हमको समझना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट ऑलवेज द वाटर ऑलवेज एक्सपांड्स ऑन कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रिमेंबर. और नेचर के अंदर इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, ये तुमको पता होगा या नहीं भी पता होगा शायद, कि नेचर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, ये जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ही
एक बहुत अच्छा सिस्टम जो बना हुआ है नेचर के अंदर, उसकी वजह से ही जो जैसे हम देखते हैं ना कि जहाँ पे हिमालय वगैरह है, तो जहाँ पे मतलब पूरा बर्फ छाया हुआ रहता है, तो वहाँ पे वहाँ के लेक्स जो होते हैं वो विंटर सीजन के अंदर फ्रीज हो जाते हैं। और फ्रीज होने के बाद क्योंकि लेक्स के अंदर हमको पता है ऑलरेडी कि जो क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर जीते हैं, जैसे मछली हो गया, अलग अलग टाइप के मछली या मछलियाँ, या मगर, या जो केकड़े वगैरह, ये सब जो क्रिएचर्स है, सी क्रिएचर्स हम बोल सकते हैं उनको, तो ये क्रिएचर्स जिंदा रह पाते हैं इवन इफ द होल टेम्परेचर ऑफ दिस होल एटमोसफियर जस्ट गेट्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो क्या, वहाँ पे तो टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अभी सोचो अगर -20 सेल्सियस टेम्परेचर अगर हो गया, तो ऐसे केस में तो पूरा लेक का लेक फ्रीज हो जाएगा, और अगर पूरा लेक फ्रीज हो गया तो उसके अंदर जो मछलियां है वो तो जकड़ जाएंगे और मर जाएंगे। बट इट दिस डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ दिस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सी व्हाट हैपन्स इज, सपोज दिस इज द लेक ऑफ वाटर, यहाँ पे ये सपोज लेक है वाटर का, जिसके अंदर सपोज यहाँ पे वाटर है इस लेवल पर, ठीक है, दिस इज वाटर एंड दिस वाटर कंटेन्स द सी क्रिएचर्स लाइक फिश एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अलग अलग फिश जो है वो यहाँ पे है सपोज, ठीक है। अभी ये सोचो कि अभी नॉर्मली समर सीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, समर सीजन में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से काफी ज्यादा रहता है, तो इसलिए वहां पे तभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये वाटर जो है वो उस केस में लिक्विड स्टेट में ही होता है, ठीक है। लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो यहाँ पे ऊपर का जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। अभी सोचो अगर ऊपर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस बन गया, तो ऐसे हालत में तो ये पूरा लेक फ्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन देखो होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग द लेक जस्ट व्हेन स्टार्ट्स, तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आइस फॉर्म होना चालू होता है, और आइस फॉर्म होने के बाद वो तैरता है, फ्लोट होता है। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक लेयर जो है वो आइस का बन जाता है। सपोज दैट दिस इज अ लेयर ऑफ आइस व्हिच इज फॉर्मड हियर, ये एक आइस का लेयर यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ये आइस का लेयर फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, देखो इससे कैन सेकेंड लेयर बी फॉर्म्ड। ये सेकेंड लेयर फॉर्म होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे ये जो आइस है, मतलब ये जो हीट है, वो हीट शुड एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर हियर इज गोइंग टू बी सपोज फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस लाइक दिस। इसका टेम्परेचर यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस है, और ऊपर का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अभी अभी यहाँ पे हीट जो है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दैट मीन्स ये जो वाटर है 2 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसमें से हीट निकाल के यहाँ पे इस तरफ पहुंचना जरूरी है, तभी जाके ये वाटर फ्रीज हो सकता है। लेकिन उसके बीच में ये जो आइस का जो लेयर यहाँ पे बन गया है, दिस लेयर ऑफ आइस जस्ट बिकम्स अ ऑब्स्टिकल फॉर हीट टू फ्लो, बिकॉज आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। रिमेम्बर, आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आइस बैड कंडक्टर होने उससे उससे क्या होगा कि हीट विल नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द आइस लेयर टू द अदर पार्ट हियर, दैट मीन्स दिस टू लेयर्स विल जस्ट बी थर्मली इंसुलेटेड, जस्ट लाइक जैसे हम देखते हैं ना कि थर्मास होता है, तो थर्मास के अंदर कितना भी ज्यादा टेम्परेचर वाला जो बॉडी है तो तभी भी बाहर में वो उसका हीट ट्रेवल नहीं करेगा, इट बिकॉज थर्मास जो है, थर्मास का जो मटेरियल है वो एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है जो कंडक्ट नहीं करता है हीट। तो सिंस इट डजंट कंडक्ट द हीट टू आउटसाइड सराउंडिंग्स, सो द हीट इन द कंटेनर रिमेन्स इन द कंटेनर इटसेल्फ एंड इट डजंट लीव दैट कंटेनर। तो द सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस आल्सो हियर। तो यहाँ पे भी वही बात होती है, ये जो आइस का जो लेयर बना हुआ है यहाँ पे, इट बिकम्स अ इंसुलेशन एक्चुअली, ये जैसा कि इंसुलेशन बन गया, जैसे कि थर्मास फ्लास्क के जैसा ही बन गया, ठीक है। तो ये इंसुलेटर बनता है और इट डजंट कंडक्ट द हीट टू फ्लो थ्रू इट, तो उसमें से हीट फ्लो ही नहीं हो सकता है। अब जब हीट फ्लो नहीं होगा तो फिर ये जो फ्रीजिंग प्रोसेस है तो वो कंटिन्यू कैसे होगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू दिस फ्रीजिंग प्रोसेस। तो ये जो पूरा का पूरा आइस का जो फ्रीज होने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रुक जाता है। जैसे ही आइस का एक थिक लेयर फॉर्म हो जाता है,
बस उसके बाद फिर ये आइस बनने का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ से नीचे ये जो आइस बनने का जो प्रोसेस है वो रुक गया, क्योंकि आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट डजेंट अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू इट, एंड दैट्स वाई अभी अगर हीट नहीं फ्लो हो सकता है तो इसका मतलब जरूर ठंडी भी नहीं फ्लो हो सकेगा, तो इसलिए यहाँ से इस तरफ जो टेम्परेचर है या हीट जो है वो हीट नो पार्ट ऑफ हीट कैन फ्लो फ्रॉम आइदर पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द आइस मीन्स आइस का जो लेयर फॉर्म हो गया है तो वो वैसे ही रहेगा, एंड द वाटर बिलो द आइस विल रिमेन एट दैट टेम्परेचर ओनली विच इज एट 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस व्हाटएवर इट मे बी, जितना भी टेम्परेचर उसका होगा उतना ही टेम्परेचर उसका बना रहेगा, ठीक है, द होल लेक विल नेवर गेट सॉलिडिफाइड, तो पूरा जो लेक है वो कभी भी सॉलिडिफाई नहीं होगा, तो ये उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज एक्चुअली द ब्लेसिंग फॉर दोज सी क्रिएचर्स, ठीक है, क्योंकि अगर ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर अगर नहीं होता तो अगर ये वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम करने से उसका वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ता, आइस का वॉल्यूम अगर मतलब वाटर के वॉल्यूम से अगर ज्यादा नहीं होता, मतलब अगर आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अगर ज्यादा नहीं होता तो आइस इसके ऊपर फ्लोट नहीं करता था, वो सिंक करता था और नीचे जाके बैठ जाता था, और ये जो प्रोसेस है फ्रीजिंग का वो पूरे पूरा जब तक लेक फ्रीज ना हो जाए तब तक कंटिन्यू चालू रहता था, और पूरा लेक का लेक अगर फ्रीज हो जाता था तो उस केस में पूरे जो सी क्रिएचर्स है तो वो मर जाते थे, जकड़ जाते थे, तो इसलिए ये कहा जाता है कि एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज एक्चुअली द ब्लेसिंग, एक तरह से ये वरदान है जो छोटे छोटे जो क्रीचर्स होते हैं सी क्रीचर्स मछली वगैरह उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब अगर सपोज हम किसी हिमालय या कोई भी मीन्स जहाँ पे आइस फैला हुआ है ऐसे रीजन में अगर जाते हैं और अगर सपोज हम यहाँ पे आइस के ऊपर अगर चल रहे हैं, ठीक है, ये सपोज पर्सन है और ये आइस के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाटर नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे अगर सपोज हम ड्रिल करके अगर यहाँ पे नीचे जाए तो वहाँ पे वाटर हमको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो ठीक से कि आइस ऊपर हमको आइस दिखने के लिए आइस दिखता है, ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज ड्रिल करते हैं एक 4-5 फुट अगर नीचे अगर ड्रिल करते हैं तो वो ड्रिल करने के बाद हमको समझ में आता है कि वहाँ पे नीचे आइस वाटर है, आइस के नीचे वाटर है और वहाँ पे सभी जो सी क्रिएचर्स हैं वो आराम से वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो दिस इज ऑल ऑल अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ओके, सो वी हैव सीन दिस 3 पॉइंट्स, दैट इज सब्लिमेशन, द डिफरेंस बिटवीन द वेपर्स एंड गैस एंड द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन दिस टुडेज लेक्चर, वी विल सी दिस 4th पॉइंट, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड फेज डायग्राम, तो ये जो फेज डायग्राम वाला जो टॉपिक है तो वो हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, तो Yes. So that's all for this lecture. Thank you all of you. Bye bye.